खबर ग्वालियर से है, जहां पुलिस ने एक शातिर महिला ठग को गिरफ्तार किया। वहीं महिला ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर कई लोगों से लाखों की ठगी की थी। बता दें कि महिला ने किसी और के नाम की जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर ठगी के इस वारदात को अंजाम दिया था। वहीं पुलिस पकड़ी गई महिला के अन्य साथियों की तलाश में जुटी है। आपको बता दें कि एडिशनल SP मृगाखी डेका ने बताया कि पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि एक महिला ठग में अपने अन्य साथियों के साथ लैंड रिकॉर्ड से जमीन के दस्तावेज फर्जी तरीके से निकलवाए हैं और धोखाधड़ी वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, जिस पर पुलिस ने घेराबंदी कर सिटी सेंटर इलाके से महिला को दबोच लिया। ये पूरा गैंग शहर में ऐसी जमीनों को तलाशते थे जिनके मालिक उन्हें महीनों तक नहीं देखने आते थे। वहीं फिर ये ठग उस जमीन से संबंधित व्यक्ति के मालिक की पूरी जानकारी निकालते थे और उसी के जैसे महिला और पुरुष का फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य फर्जी दस्तावेज बनवाकर रजिस्ट्रार कार्यालय में खड़ा कर उस जमीन का अनुबंध कर लोगों के साथ ठगी करते थे। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में एक महिला को हिरासत में ले लिया है। बाकी अन्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी पुलिस तलाशी कर रही है। हाँ, यूनिवर्सिटी थाने इलाके में हमारे कुछ FIRs थे जो जमीनी संबंधी थी, तो उसमें क्योंकि हम लोग काफी दिनों से इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तो TI संतोष यादव ने काफी अच्छी मेहनत करके उन सारे FIRs में से एक कॉमन आरोपी है, जो मेन आरोपी है, जो मास्टरमाइंड, उस तक पहुंचे। तो वो एक गैंग है, उस गैंग में से एक महिला जो है वो हमारे हाथ में आई है।